नमस्कार दोस्तों, रंजना वेज फूड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तो आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आज की मेरी रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाली है। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है लौंग लता। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं इसके लिए तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलिए आप लोग को मैं मार्केट में लौंग लता किस तरीके से बनाते हैं और हलवाई लोग उसको कैसे बनाते हैं हम आप लोग को यही दिखाएंगे। तो चलिए अब आप लोग को हम दिखाते हैं। दुकान पर आ चुके हैं और यहीं पे लौंग लता बनाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सब सामान बनकर रेडी हो चुका है, सिर्फ लौंग लता बनाना रह गया है। तो वही हम आप लोग को बना कर दिखाएँगे। देखिए इसका आटा गूंथ करके रखा गया है। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया गया है, सिर्फ इसको इसमें देसी घी मिला करके इसको गूंथा गया है। इसको गूंथ कर तैयार किया गया है। ये सब रेडी हो चुका है और इसके अंदर खोआ रख भरा जाता है। तो ये खोआ है, इसके मतलब लौंग लता के अंदर भरेंगे। तो चलिए आप लोग को मैं सिर्फ यही लौंग लता बना कर दिखाऊँगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। और दोस्तों खोआ में चीनी भी मिलाया गया है ताकि मीठा रहे। तो अब इसको हम गोला बनाया हुआ है तो इसको गोला करेंगे और इसे हाथों से चपटा करेंगे। अब इसको बेलेंगे हम, इतना बड़ा सा बेल लिए हैं। और इसके ऊपर पानी लगाएंगे चारों तरफ। तो पानी हमने लगा दिया है और इस जो बीच में हम एक खोआ रखेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा। और इसको इतना मोड़ेंगे पहले ऐसे, और फिर ये वाला पार्ट उठा करके यहाँ पर रखेंगे ऐसे बिल्कुल। तो अभी इसको हम पलट देंगे और इसके पीछे भी हम पानी लगाएंगे ऐसे थोड़ा सा, और इसको निकाल ऐसे करके फिर ऐसे ले आकर ऐसे चिपका देना है। आप लोग देख रहे हैं ना, फिर यहाँ पे हमें इसे दबा देना है और इसको बहुत ही अच्छे से दबाना है ताकि ये खुले ना। तो आप लोग देख सकते हैं लौंग लता हमारा एकदम से बनकर रेडी हो गया है। चलिए इसको भी हम ट्रे में रख देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा ये लौंग लता बना हुआ है। तो आइए इधर और भी हम आप लोग को बनाकर दिखा देते हैं। बिल्कुल हलवाइयों वाला हम आप लोग को लौंग लता बनाकर दिखा रहे हैं और बनाना बता रहे हैं आप लोग को। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा दोस्तों, तो आपका लौंग लता बहुत ही अच्छा बनेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये घर पर बना हुआ है। अब इसको चारों तरफ पानी लगाएंगे और बीच में रखेंगे खोआ और इसको ऐसा मोड़ना है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर रखेंगे, फिर उल्टा करेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर पानी लगा करके इसको हम ऐसे ले जाकर ऐसे दबा देंगे हाथों से। इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए आप लोग देख ही रहे हैं कितना आसानी से हमारा ये लौंग लता बन रहा है। तो दो हमने बना लिया है और चलिए इधर भी और बना लेते हैं हम। इतना सारा हमने लौंग लता बनाया हुआ है, ये देखिए आपको हमने बनाकर दिखाया किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए अभी इनको हम तेल में छान लेते हैं। चलिए हम गैस को जला लेते हैं। जला लिया है, आग अच्छी तरह से जल रही है और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल भी अब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें लौंग लता को छानेंगे। तो हमने थोड़ा सा इसमें डाल करके चेक किया है कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं तो तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। लौंग लता को तेल के अंदर डालते हैं। तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म है। तो सभी लौंग लता को हम तेल के अंदर डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लौंग लता कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। देखिए हमने बीच में कितना जगह छोड़ा हुआ था, लेकिन ये फूल करके अच्छी तरह से फैल गया है। तो अभी इसको हम पलट देते हैं दूसरी तरफ, दोनों तरफ से हम इसको पका लेंगे। दोस्तों लौंग लता हमारा एकदम से पक चुका है, आप लोग देख लीजिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अभी इसको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो तेल है वो तेल हम निकाल दे रहे हैं स्टोव वाला, और फिर अब इस लौंग लता को हम लेकर चलेंगे सीढ़े में, इसको डुबाएंगे। तो
चलिए अभी इसको हम सीढ़ा में डुबाने के लिए लेकर चलते हैं। तो ये सीढ़ा है, इसी के अंदर हम डाल देंगे और इससे हम इसको दबा देंगे। तो लौंग लता को हमने सीढ़े में डुबा दिया है और इसको हम, ये हमने पावा लिया हुआ, इसे दबा देंगे तो सीढ़ा जो है लौंग लता में अच्छी तरह से चला जाएगा। तो आप लोग चाशनी देख लीजिए दोस्तों, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, मीडियम साइज़ की चाशनी बनी हुई है। ये देखिए किस तरह से टपक रहा है ये इसकी चाशनी। चाशनी बनाना तो बहुत ही आसान है। तो इसको थोड़ा हम ऐसे ही में डूबे रहने देंगे चाशनी में कुछ टाइम तक। देख लीजिए लौंग लता को हमने सीढ़ी से बाहर निकाल लिया है, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है हमारा ये लौंग लता। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप लोगों ने देखा इसको कितना जल्दी बना करके तैयार किया हमने। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा खाने में भी इसके अंदर तक सीढ़ा गया हुआ है। तो आइए आप लोग को मैं एक तोड़ कर दिखा देती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ना अंदर तक ये सीढ़ा गया हुआ है और इसका रस देखिए टपक रहा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है दोस्तों। कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमने इसको सीढ़े में रखा हुआ था डुबा करके, फिर उसके बाद इसको बाहर निकाला हुआ है। तो दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी लौंग लता। मैं उम्मीद करूंगी कि यह मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को, मेरी ये लौंग लता कैसी बनी हुई है। इसी तरह से आप लोग भी लौंग लता बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका लौंग लता कैसा बना हुआ था। मैं उम्मीद करूंगी कि अच्छा ही बनेगा, कि इस बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो ज़रूर अच्छा बनेगा दोस्तों। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए रंजना वेजफूड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग तरीके की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।